वरदान देते समय भी, श्राप देते समय भी, आशीर्वाद देते समय भी वो शब्द में थोड़ी जगह रख लेते हैं। किसी भी देवता को देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश को देखो, शब्द में जगह मिलेगी निकलने का रास्ता। तो शब्द में जगह बची हुई थी तो उस जगह का उपयोग हुआ और हमने प्रार्थना की परमात्मा से कि उनका भी जो शब्द था वो पूरा हो गया कि समय तक तुम्हारा समय है, कि उनका भी शब्द पूरा हो गया कि उनका समय अभी तक था, अब ये जीव मेरा हुआ उनका नहीं रहा। तो जो जीव हमारा हुआ फिर उनका अधिकार खत्म हो गया और जो जीव आपको स्वीकार हो गया फिर बिना जीवन मुक्ति के, बिना प्राप्ति के वो जीव कैसे वहाँ तक पहुँचे और किस प्रकार से क्या मुँह लेकर के वो जीव जाएगा कि मैं जैसे भेजा था वैसे ही वापिस आ गया बिना साधना किए, बिना आपके अनुभव के मैंने कोई कार्य नहीं किया, क्या बोल करके आपके दरबार तक वो जीव आएगा। समय दो उनको, साधना का एक और मौका दे दीजिए। तो परमात्मा कृपा निधान है, वो देखता है और भाव के अनुसार कृपा कर देता है। तो आप जब साधना करेंगे ये रहस्य रहस्य नहीं रहेंगे, ये कष्ट नज़दीक भी नहीं आएंगे, ये दुख जिनको आप परेशान इतने हो चुके हो झेल झेल करके, ये नहीं रहेंगे। क्योंकि वो परमात्मा सहने की अक्षमता प्रदान कर देगा, कर्मों को तोड़ करके भार कम कर देगा और अनंत अनंत जन्मों के कर्म इसी जन्म में कष्टों को कम करते हुए, कम से कम दुख देते हुए झेलने की अक्षमता प्रदान कर देगा, परेशान नहीं होने देगा। लेकिन कुछ लोग बहुत दूरी समझने लगते हैं कि गुरु भी दो बना लिए, कभी उसे सलाह ले लेते हैं कभी इससे सलाह ले लेते हैं, कभी ये मान लेते हैं कि अरे ये भी उन्हीं को मानते हैं वो भी उन्हीं को मानते हैं, ये भी वही रास्ता दिखाते हैं। हो सकता है जो चले गए सिद्ध, कबीर जैसे, दादू जैसे, पलटू जैसे, शंकराचार्य, नानक जी, मोहम्मद साहब और जितने भी हुए हमारे संत महात्मा, तो वो सब के सब ये मान लेते हैं उनके जाने के बाद जो उनके बैठते चले गए गद्दियों के ऊपर कि ये भी वहीं के जहाज होगा जहां वो संत पहुंचे हैं। लेकिन जो आपको वहां दिखाई दे रहे हैं वो वहां के जहाज नहीं हैं,
वहाँ के जहाज जा चुके हैं, वो उड़ चुके हैं, वो अपने समय में जिसको पार उतारना था, जिसको ले करके जाना था, सबको ले करके चले गए। और जो ये खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बस बैठे हुए हैं, जिनके पास न साधना है, न अनुभव है, न चढ़ाई है, पाठ करते हुए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। आपके भी पाठ कर देंगे, आपके भी पाठ कर देंगे। मैं विचार बड़ा गहराई से करता हूँ। भागवत की बात जब आई कि भागवत का ज्ञान इनको दे दो, ज्ञान करा दो परीक्षित जी को, इनकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या, तक्षकाया नाग डस लिया, शरीर चला गया। इतिहास बोलता है, मैं नहीं बोलता। लेकिन कौन सा वो तत्व था जिसको जागृत किया गया, जिसको प्राप्ति के बाद, शरीर छूटने के बाद, शरीर मरने के बाद वो नहीं मरा। उस तत्व को जागृत करने के लिए उसकी रचना हुई, उसको शब्दों में पिरोया गया, प्रश्नों के उत्तर दिए गए। लेकिन आज हम भागवत किस लिए कराते हैं, जरा विचार कीजिए कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, भागवत करवा देते हैं, भागवत बचवा देते हैं। कि लड़के के ऊपर है ना कष्ट बता रहे हैं, भागवत बचवा देते हैं। ये भागवत का रास्ता ये नहीं है। भागवत का रास्ता परमात्मा प्राप्ति का रास्ता है। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सब वही रास्ता दिखाते हैं और आपको उसी मार्ग को खोज करके उसके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि बिना ध्यान के वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता। कुछ लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं, मनो के अंदर विचार साधना से थोड़ा दूर हो गए, तो आप साधना कीजिए, उस परम तत्व का ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और अंदर में जागृत करने का प्रयास कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो 28 तारीख को होगा, पूर्णिमा का, शरद पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, शरद रात्रि की पूर्णिमा, वो पूर्णिमा है, उसका प्रोग्राम होगा। तो आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।